खबर प्रयागराज से, गांव के सरकारी तालाब पर किया गया दबंगों द्वारा अवैध कब्जा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा किया गया तालाब पर अवैध कब्जा। ग्राम सभा नीबी लैंडियारी विकास खंड कोराव अंतर्गत दबंगों द्वारा तालाब अवैध कब्जा किया गया है, जिसमें नकल वास्ते चकबंदी आकार पत्र 41 में गाटा संख्या 378 रखवा 3 बीघा 16 बिस्सा 5 धूर का तालाब बहुत पुराने समय से था। लोगों का कहना है कि गांव के ही रामचंद्र मिश्रा पुत्र जगनारायण मिश्रा के द्वारा यह तालाब पैसे के बल पर लेखपाल की मिली भगत से अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं। पूरे गांव के पशुओं को पानी पीने व नहाने के लिए इस तालाब में आते थे। गांव के पानी का निकास इसी तालाब में हो रहा था। अब तालाब को पट्टा करवा कर वर्तमान में हल्का लेखपाल व पुलिस फोर्स के मौजूदगी में पैसे के बल पर पिलर गड़वा कर तार से बाउंड्री करवा लिया गया है, जबकि तीन तरफ से पूरे गांव का निस्तार था। गांव वालों को पानी पीने के लिए प्राचीन जगतदार कुआं था, कुएं पर जाने के लिए भी रास्ता बंद कर दिए हैं, जिसमें पीड़ित कन्हैयालाल महेंद्र कुमार राजाराम, नगेश काशी प्रसाद, राम नरेश कल्लू, हीरालाल बल्लू, रमाशंकर, कृष्णकांत, सुरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, प्रेमवती, सिया काली, श्रीमती राधा देवी, शांति देवी, विनीता देवी, सरोज देवी, अमृतलाल, कौशल्या, श्याम कली, सुनीता देवी, माना देवी आदि कई पीड़ित गांव से इकट्ठे होकर के अपनी समस्या की गुहार लगाई। और पीड़ितों का कहना है, हम दलित लोग कुछ बोलते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। आए दिन जमीन के लिए घटना भी हो सकती है। स्टार 7 न्यूज की कवरेज, ब्रिजलाल चौधरी की रिपोर्ट। अभी जो पंडित
तालाब है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। और कोई अभी बोल रहे थे?